भारत के सामर्थ्य को सशक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे ऐसे नेता, वो हमारी भाषा से परिचित नहीं है लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ सबका विकास मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं। वो अपनी भाषा में उसका अनुवाद भी करते हैं। मोदी के विरोधी जहां भी जाते हैं बीजेपी की पिक्चर एंटी मुस्लिम दिखाने की कोशिश करते हैं। केजरीवाल को ही ले लीजिए, असम गए तो अपनी बात तो स्कूल और शिक्षा से शुरू की लेकिन अगली लाइन में ही अपने मेन पॉइंट पर आ गए। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, दोनों साथ साथ बनी थी। 2015 में दिल्ली में मेरी सरकार बनी थी, एक साल के बाद 2016 में हेमंत बाबू की सरकार बनी थी। आज दिल्ली को हमने बदल के रख दिया 7 साल के अंदर। स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, शानदार दिल्ली बना दी हमने। हेमंत बाबू ने क्या किया 7 साल में? हेमंत बाबू ने कुछ नहीं किया, केवल गंदी राजनीति करी, गंदी पॉलिटिक्स की। अभी आज मेरे को असम आना था, 2 दिन से धमकी दे रहे हैं हेमंत बाबू टीवी पे। केजरीवाल आएगा मैं जेल में डाल दूंगा। ये क्या है यार? मोदी के विरोधी उन्हें अलग अलग तरीके से डैमेज करने की कोशिश करते हैं। कभी डिग्री पर सवाल उठाते हैं, कभी जाति पर और कभी सरनेम पर। कांग्रेस के भूपेश बघेल कहते हैं मोदी सरनेम तो मुसलमान भी लिखते हैं। ये बताया कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये पिछड़े वर्ग में आते हैं और दूसरा इसके पहले पीलू मोदी सांसद थे वो पारसी, मुसलमान भी मोदी लिखते हैं, पारसी भी मोदी लिखते हैं, अपर क्लास में भी है, तो सब में तो फिर पिछड़े वर्ग का अपमान कैसे हो गया? बीजेपी ने 24 के लिए 5000 मुस्लिम वोट वाला फॉर्मूला तैयार किया है। आइडिया ये है कि जिन 65 सीटों पर मुस्लिम वोटर्स ज्यादा हैं, वहां से कम 5000 वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट कराना है। इसके लिए इन सभी